Hello guys, welcome back to my YouTube channel Standout Classes. So today I'm going to start with exercise 1.2 class 11 maths, which is sets. So start करते हैं 1.1 हम आपके साथ discuss कर चुके हैं. So base of 1.2 को discuss कर लेते हैं कि है क्या इसके अंदर. ठीक है गाइज, इसके अंदर है टाइप्स ऑफ सेट्स बेसिकली. ठीक है, फाइनाइट सेट्स, जैसे कि आपको नाम से ही पता चल रहा है, फाइनाइट फिक्स्ड, बेसिकली वो सेट जिसके अंदर हम एलिमेंट्स को काउंट कर सकते हैं, जो एंडलेस नहीं है, फाइनाइट है, हुज एलिमेंट्स वी कैन काउंट. फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे बोलूँ फर्स्ट थ्री मल्टीपल्स ऑफ थ्री, 3, 6, 9, तीन एलिमेंट, एंडलेस तो नहीं है ना, तीन ही आंसर है इसके. ठीक है, सो वो होते हैं फाइनाइट सेट्स जिनके हम एलिमेंट्स को काउंट कर सकते हैं. इनफाइनाइट सेट इसका उल्टा, जिनके हम एलिमेंट्स को काउंट नहीं कर सकते. अगर मैं बोलूँ आपको सेट ऑफ अ नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर आप कितने बता लोगे, 1, 2, 3, 4, 100, 1000, 10,000, उसके आगे भी तो हैं जिनको हम काउंट नहीं कर सकते, जो एंडलेस हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, इनफाइनाइट सेट्स. इक्वल सेट्स कौन से होते हैं, ध्यान से सुनना, इक्वल और इक्विवेलेंट सेट्स, यूजुअली बच्चे इस चीज के अंदर कंफ्यूज होते हैं. इक्वल सेट्स वो सेट्स होते हैं जब हम दो सेट ले रहे हैं, उनके अंदर जो नंबर ऑफ एलिमेंट है वो भी हमारा सेम होना चाहिए. ठीक है, व्हेन नंबर ऑफ एलिमेंट्स शुड बी सेम एंड जो एलिमेंट्स है वो भी सेम होने चाहिए. एक एग्जांपल देते हैं, जैसे ए में लिया मैंने 1, 2, 3, 4, बी में लिया ना मैंने 4, 1, 3, 2. गाइस देखो, इसमें 1, 2, 3, 4, इसमें भी 1, 2, 3, 4, इसमें भी चार एलिमेंट है मेरे और इसमें भी चार एलिमेंट है. अब जो इसके अंदर एलिमेंट है वो कौन से हैं, वो है 1, 2, 3, 4. इसमें जो एलिमेंट है वो कौन से हैं, वो भी तो यही है 1, 2, 3, 4. मतलब जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी आपके सेम हो और जिसके अंदर आपके जो एलिमेंट्स है वो भी सेम हो, उन सेट्स को हम क्या बोलते हैं, इक्वल सेट्स बोलते हैं. ठीक है, उसी तरह हमारा नेक्स्ट है इक्विवेलेंट सेट. इक्विवेलेंट सेट कौन से होते हैं गाइस, इक्विवेलेंट सेट्स आर दो सेट जिसके अंदर जो हमारे नंबर ऑफ एलिमेंट्स है वो सेम होने चाहिए. नंबर ऑफ एलिमेंट्स तो सेम होने चाहिए, अब चाहे वो एलिमेंट सेम हो या ना हो. जैसे कि ए मैंने लिया 1, 2, 3, 4, सेकंड में लिया 2, 4, 6, 8. आप देख सकते हो इनके जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स है वो तो सेम है, पर वो एलिमेंट सेम नहीं है. अगर इसके 1, 2, 3, 4 है तो इसके 1, 2, 3, 4 नहीं है. तो इक्विवेलेंट सेट में सिर्फ नंबर ऑफ एलिमेंट सेम होने चाहिए, इक्वल सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी सेम होने चाहिए हमारे, और जो एलिमेंट्स है दोनों सेट के वो भी एग्जैक्टली सेम होने चाहिए. ऑर्डर आगे पीछे हो सकता है, उसकी कोई बात नहीं है, बट जो एलिमेंट्स है वो जो ए में है वो बी में भी होने चाहिए. ठीक है, ये फर्क होता है इक्वल सेट्स और इक्विवेलेंट सेट्स में. मूविंग ऑन, एम्प्टी सेट, नाम से नहीं पता चल रहा, एम्प्टी खाली, व्हेन देयर इज नो एलिमेंट, जब हमारे किसी सेट में कोई एलिमेंट ना हो उसको हम एम्प्टी सेट बोलते हैं. जैसे ए इज अ एम्प्टी सेट, अगर कोई एम्प्टी सेट हो तो हम इसको फाइव भी बोल सकते हैं. इसका मतलब होता है एम्प्टी सेट, देयर इज नो एलिमेंट, इसको क्या बोलते हैं, फाइव. ठीक है, नेक्स्ट होता है आपका सिंगल टन सेट. अगेन हमें नाम से पता चल रहा है, सिंगल टन सेट हमारा वो सेट होता है जिसके हमारा सिर्फ एक ही एलिमेंट हो. व्हेन देयर इज ओनली वन एलिमेंट इन द सेट उसको हम क्या बोलते हैं, एक सिंगल टन सेट. ठीक है, सो ये था हमारा बेस. अब हमें इसके एग्जाम्पल और इसकी एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं. स्टेट वेदर द सेट इज फाइनाइट या इनफाइनाइट. फाइनाइट सेट्स वो होते हैं जिनके एलिमेंट्स हम काउंट कर सकते हैं, इनफाइनाइट सेट्स वो होते हैं जिनके एलिमेंट्स हम काउंट नहीं कर सकते. फाइनाइट सेट्स जैसे एक्स इज सच दैट एक्स, एक तो नेचुरल नंबर है एंड हमें ये दिया हुआ है x-1, x-2 = 0. अब एक बात बताओ, अगर मैं इस चीज को सॉल्व करती हूँ, मुझे दो सोल्यूशन दे रखे हैं, तो मेरे सोल्यूशन क्या हो गए, x की वैल्यू 1 और x की वैल्यू 2. तो यही बस दो इसके आंसर हैं, तो हमारा 1, 2, तो इनको काउंट तो आप कर सकते हो. तो ये आपका कौन सा सेट हो गया गाइस, फाइनाइट सेट. उसी तरह नेक्स्ट है, x इज सच दैट x बिलोंग्स टू ए नेचुरल नंबर एंड x का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4. देखो, नेचुरल नंबर से बिलोंग करना चाहिए और जिसका स्क्वायर होना चाहिए वो 4. तो ऐसा सिर्फ एक ही नंबर है, जो कि है 2 हमारा, क्योंकि ये एक है, तो ये क्या हो गया, हमारा फाइनाइट सेट हो गया. इसके बाद x इज सच दैट x बिलोंग्स टू n होना चाहिए एंड 2x-1 = 5. एक मुझे बात बताओ, मैं 2x की जगह कोई नेचुरल नंबर रखूं, ठीक है, 2×1 रखूं, क्या हो जाएगा, 2-1, दैट इज ऑल्सो 1. 2 की जगह 2 रखूं, क्या हो जाएगा, 2×2-1, दैट इज 4-1, ये भी मेरा 3 आ रहा है. ठीक है, मैं यहाँ पे कोई भी नेचुरल नंबर, मेरा 0 या 5 तो आएगा ही नहीं. इसका मतलब ये सेट का आंसर मेरा क्या होगा, 5, क्योंकि ऐसा कोई नंबर नहीं है नेचुरल नंबर के सेट में जिसमें यहाँ पे
पुट कर सकूं तो मेरा ये आंसर आ जाए। तो अगेन ये सिर्फ एक ही एलिमेंट हुआ, फाइव इज ऑल्सो एलिमेंट, तो ये मेरा क्या हो गया, फाइनाइट सेट हो गया। नेक्स्ट, x इज सच दैट x अगेन बिलोंग्स टू na एंड x इज अ प्राइम नंबर। नेचुरल नंबर्स में तो कितने सारे प्राइम नंबर्स है, एनलेस, जिनको हम काउंट नहीं कर सकते, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, एक इनफाइनाइट सेट हो जाएगा। नेक्स्ट, x इज सच दैट x अगेन बिलोंग्स टू na एंड x इज अ ऑड, x ऑड नंबर है, नेचुरल नंबर में तो कितने सारे एनलेस ऑड नंबर्स हैं, अगेन हम उनको काउंट नहीं कर सकते, सो दे आर इनफाइनाइट ऑड नंबर्स। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट सेट। तो ये था हमारा एग्जाम्पल सिक्स। मूविंग ऑन एग्जाम्पल सेवन, आप मेरे को यहाँ पे पांच सेट दिए हुए हैं, ए बी सी डी ई, मुझे बताना है इसमें से इक्वल सेट कौन से हैं। इक्वल में मुझे पता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी इक्वल होने चाहिए एंड जो उनके एलिमेंट्स है वो इटसेल्फ इक्वल होने चाहिए। तो ये मुझे कैसे पता चलेगा, पहले मैं इन सबकी रोस्टर फॉर्म लिख लेती हूँ। ठीक है, ए का मेरा क्या है गाइस, वो तो जीरो ही है। बी की रोस्टर फॉर्म लिख लेते हैं। अब अगर आप इस चीज को ध्यान से देखो, इस चीज को अगर आप ध्यान से देखो तो ये जो हमारा बी एस में लिखा है, x इज ग्रेटर देन 15 एंड x इज लेस देन 5, ऐसा कोई नंबर पॉसिबल है जिसमें एक कोई ऐसा नंबर जो 15 से बड़ा हो, 5 से छोटा हो, खुद सोचो, नॉट पॉसिबल। तो ये मेरा क्या होगा, एक नल सेट होगा। नल सेट भी लिख सकती हूँ मैं, 5 भी लिख सकती हूँ। ठीक है, सी देखो, सी में क्या है आपको बताना है, x इज सच दैट x माइनस 5 इज इक्वल्स टू 0। मैं क्या x की वैल्यू पुट करूं कि मैं उसमें से माइनस 5 करूं तो 0 आए, 5 ही तो पुट करूंगी, 5 में से 5 माइनस करा 0, तो a का 0 हो गया, b का 5 हो गया, c का 5 हो गया। d पे आ जाओ, d का क्या है हमारा गाइस, किसका स्क्वायर 25 के इक्वल होगा, कुछ यहाँ पे मेंशन नहीं है, इंटीजर्स नेचुरल नंबर्स, तो हम पूरा रियल नंबर का सेट लेके चल रहे हैं। ठीक है, तो माइनस 5 का स्क्वायर भी 25 होगा और 5 का स्क्वायर भी 25 होगा। तो मैं क्या कर रही हूं, मैं सेट बिल्डर फॉर्म से बस रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर रही हूं। ठीक है, ई पे आ जाओ, एक्स इज सच दैट एक्स इज एन इंटीग्रल पॉजिटिव रूट ऑफ द इक्वेशन, इसका पॉजिटिव रूट। तो सबसे पहले इसका रूट निकाल लेते हैं। ठीक है, इसका रूट निकाल लेते हैं हम। तो ये हमारी इक्वेशन क्या दे रखी है हमें, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 15 इज इक्वल टू 0। रूट कैसे निकालते हैं, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म आप कर सकते हो आसानी से, 15 वन जा 15, तो 15 का एलसीएम 3 5 जा 15 और 5 वन जा 5, 3 और 2 हम यूज करेंगे, तो एक्स स्क्वायर ये हो जाएगा आपका माइनस प्लस 3x, नहीं इसको मैं ऐसे लिखती हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3x माइनस 15 इज इक्वल टू 0, प्लस माइनस माइनस 2x और 5 3 15। ठीक है, x कॉमन लिया इसमें, तो क्या बचा गाइस, x माइनस 5 बचा यहाँ पर, फिर मैंने यहाँ पर 3 कॉमन लिया तो मेरा यहाँ पे क्या बचा, x माइनस 5 बचा, 3x माइनस 3 5 जा 15। ठीक है, अब देखो क्या मेरे रूट बन गए, एक बन गया मेरा x प्लस 3 और एक बन गया x माइनस 5, तो एक x की वैल्यू आ गई माइनस 3 और एक x की वैल्यू आ गई मेरी 5। अब खुद सोचो मुझे क्या चाहिए, पॉजिटिव रूट चाहिए, तो पॉजिटिव क्या है, 5 ही तो है, तो मेरा e वाला सेट भी क्या हो गया गाइस, 5 हो गया। अब मुझे बता दो, अब तो देख बताना बहुत आसान है, इसमें से कौन सा सेट इक्वल है, सिर्फ c और e, e सेट इज इक्वल टू c सेट, क्योंकि बाकी और कुछ इक्वल नहीं है। ठीक है, क्योंकि हमारा और बाकी कुछ इक्वल नहीं है, इसके अंदर भी हमारा एक एलिमेंट है 0, ये तो 5 है। ठीक है, इसमें हमारा कोई एलिमेंट नहीं है, तो e इज इक्वल टू c। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेट्स आर इक्वल, इसमें से कौन सा इक्वल है। अगेन देखो यहाँ पे वही चीज है, एक्स हमारा सेट है इसके लेटर्स का, बी हमारा सेट है इसके लेटर्स का, लिखना जरा, एक्स का जो आपका सेट है उसके अंदर क्या आ जाएगा, ए एल ओ और वाई। ठीक है, और जो वाई सॉरी एक्स वाई ले लेते हैं, चलो वैसे बी और ए और बी सेट था। ठीक है, इसमें क्या हो जाएगा, इसमें भी क्या आ रहा है मेरा, एल ओ वाई और ए सेम नहीं है, एलिमेंट्स नंबर भी सेम है और एलिमेंट्स भी सेम है, तो x इज इक्वल्स टू y, तो ये इक्वल है। ठीक है, अब इस पर आ जाओ, सेकंड पार्ट पे आ जाओ इसका, a का मैं दे रखा n इज सच दैट n बिलोंग्स टू z, मतलब इंटीजर जिसमें n का स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू 4। तो सबसे पहले हमें इसकी रोस्टर फॉर्म लिखनी पड़ेगी गाइस, n का स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू 4 और इंटीजर बोला है, कुछ नहीं बोला पॉजिटिव इंटीजर नेगेटिव इंटीजर, मतलब दोनों हम कंसिडर करेंगे, तो माइनस 2 का स्क्वायर भी लेस देन इक्वल टू 4 है, माइनस 1 का भी, 0 का भी, 1 का भी, 2 का भी, ये तो आ गया मेरा a का। ठीक है, b पर आ जाओ, अब b पे हमें क्या निकालना पड़ेगा, इसके अगेन हमें क्या निकालने पड़ेंगे, रूट्स निकालने पड़ेंगे, इसका आंसर निकालना पड़ेगा। निकाल देते हैं क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 3x, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, तो 2 और 1 पुट करेंगे
तो क्या हो जाएगा ये एक्स स्क्वायर आपका माइनस टू एक्स माइनस एक्स प्लस टू इज इक्वल्स टू जीरो. माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, टू वन टू प्लस वन थ्री हो जाएगा. तो इसमें से x कॉमन लोगे तो यहाँ पे क्या बचेगा x माइनस टू, यहाँ पे माइनस एक्स कॉमन, यहाँ पे माइनस वन कॉमन लोगे, यहाँ पे माइनस वन कॉमन लोगे तो यहाँ पे क्या बचेगा x माइनस टू. जब ये चीज करो ना ओपन करके देखो कि ये चीज वापस आ रही है नहीं आ रही, तो एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस एक्स प्लस टू बिल्कुल आ रही है. तो ये मेरा हो गया x माइनस वन और ये मेरा x माइनस टू. तो यहाँ पे x की वैल्यू वन आ रही है और x की वैल्यू टू आ रही है. तो इसका हमारा सेट क्या बन गया, वन कॉमा टू. किसी भी एंगल से ना ही नंबर ऑफ एलिमेंट सेम दिख रहे हैं मुझे इसके अंदर, ना ही एलिमेंट सेम है, तो ए इज नॉट इक्वल टू बी. तो ये था हमारा एग्जाम्पल एट. मूविंग ऑन, अब आ जाते हैं एक्सरसाइज 1.2 पे फटाफट से. ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग हमारे कौन से नल सेट्स हैं. सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर डिविजिबल बाय टू. ऐसा कोई ऑड नंबर है जो टू से डिवाइड हो तो ये क्या होगा, मेरा नल सेट होगा. सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर, एक ही इवन प्राइम नंबर है, एक ही बिल्कुल, विच इज टू. तो दिस इज नॉट आर नल सेट. ये हमारा नल सेट है, हमारा नल सेट नहीं है. एक्स इज सच दैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर, जो पांच से छोटा है सात से बड़ा है. ऐसा कोई नंबर हो सकता है जो पांच से छोटा और सात से बड़ा हो. अगेन ये हमारा क्या हो गया, नल सेट हो गया. ठीक है, वाई सच दैट वाई इज अ पॉइंट कॉमन टू एनी पैरेलल लाइन. कभी भी दो लाइन पैरेलल के बीच में कोई कॉमन पॉइंट हो सकता है, नहीं हो सकता. तो अगेन दिस इज आर नल सेट. अब हमें बताना है फाइनाइट सेट कौन से और इनफाइनाइट सेट कौन से. फाइनाइट सेट वो होते हैं जिनके एलिमेंट्स को हम काउंट कर सकते हैं, इनफाइनाइट सेट वो होते हैं जिनके एलिमेंट्स को हम काउंट नहीं कर सकते. तो सेट ऑफ मंथ्स ऑफ अ ईयर, मंथ्स ऑफ अ ईयर 12 गिन सकते हैं, तो यस इट इज आर फाइनाइट सेट. 1 2 3 एंडलेस जा रहा है, नहीं पता कहां पे खत्म होगा, तो क्या हो गया, मेरा इनफाइनाइट सेट हो गया. 1 2 3 ये सिर्फ 100 तक जा रहा है, गिन सकते हैं, लिमिटेड है हमारा सेट, तो ये भी क्या हो गया, मेरा फाइनाइट सेट. सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स, जो 100 से बड़े हो, एंडलेस हो सकते हैं भाई पॉजिटिव इंटीजर्स, तो ये मेरा क्या हो गया, इनफाइनाइट सेट हो गया. ठीक है, सेट ऑफ प्राइम नंबर्स लेस देन 99 से छोटे प्राइम नंबर्स, खुद बताओ क्या होगा इसका. प्राइम नंबर्स वो जो हमारे 99 से छोटे हैं. ठीक है, अब इसके अंदर हमें कुछ यहां पर मेंशन नहीं है, ठीक है, कि हमारा इंटीजर्स है नेचुरल नंबर्स, 99 से छोटे बोले हैं हमें प्राइम नंबर. एंडलेस हो गए वो तो, नेगेटिव पे पहुंच जाओ ना, नेगेटिव साइड भी तो मैं माइनस थ्री ले लू, मैं प्राइम नंबर नहीं है मेरा, बिल्कुल प्राइम नंबर है. माइनस थ्री किसी के टेबल में नहीं आता, अपने और वन के टेबल में आता है. तो ये मेरा क्या हो गया गाइज, इनफाइनाइट सेट. माइनस के साइड माइनस इन्फिनी तक पहुंच जाएगा ये. ठीक है, स्टेट वेदर ईच सेट इज फाइनाइट और इनफाइनाइट. सेट ऑफ लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, पैरेलल टू एक्स एक्सिस तो बहुत सारी लाइन हो सकती हैं, तो क्या हो गया मेरा, इनफाइनाइट सेट. सेट ऑफ लेटर्स इन इंग्लिश अल्फाबेट्स, लिमिटेड होते हैं ए टू जेड, तो क्या हो गया मेरा, फाइनाइट सेट. सेट ऑफ नंबर्स व्हिच आर मल्टीपल ऑफ फाइव, एंडलेस नंबर्स हो सकते हैं जो मल्टीपल है फाइव के, क्या हो गया ये मेरा, इनफाइनाइट सेट. सेट ऑफ एनिमल्स लिविंग ऑन अर्थ काउंटेड है, एंडलेस एनिमल्स हो सकते हैं ना, तो ये मेरा क्या हो गया, इनफाइनाइट सेट. सेट ऑफ सर्कल्स पासिंग थ्रू दी ओरिजिन, वो सर्कल्स जो आपके ओरिजिन से पास कर रहे हैं, बहुत सारे सर्कल्स हो सकते हैं जिनका सेंटर ओरिजिन हो सकता है, तो ये हो गया इनफाइनाइट. ठीक है, अब हमें बताना है कि क्या ये और ये इक्वल है, क्या ये और ये इक्वल है. इक्वल तब होंगे जब नंबर ऑफ एलिमेंट सेम होंगे, प्लस जो एलिमेंट्स है वो खुद भी सेम होंगे. तो एबीसीडी 4 4, इसमें भी एबीसीडी, तो यस ये दोनों इक्वल. 4 8 12 16 4 8 16 18, ये इक्वल नहीं है, नंबर ऑफ एलिमेंट सेम है पर एलिमेंट्स इक्वल नहीं है. 2 4 6 8 10, एक्स इज सच दैट एक्स इज पॉजिटिव इवन इंटीजर, पॉजिटिव होना चाहिए, इवन इंटीजर होना चाहिए, लेस देन और इक्वल टू 10, बिल्कुल यही आएगा. इसको उस फॉर्म में कन्वर्ट करोगे, यही हमारे पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, लेस देन 10 जो हमारे आएंगे, दैट इज 2 4 6 8 10. नेक्स्ट इज एक्स इज सच दैट एक्स इज अ मल्टीपल ऑफ 10, और यहां पे देख लो 15 25, ये तो मल्टीपल है ही नहीं 10 के, तो ये और ये मैच नहीं कर रहा. ये मेरा हो गया 2.3, इसको सॉल्व करना पड़ेगा हम लोगों को. सॉल्व करेंगे तो ये क्या आ जाएगा गाइस, यहाँ पे सॉल्व कर देती हूँ, ये हो जाएगा मेरा एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इज इक्वल्स टू 0. ठीक है, अच्छा जब भी हमें 6 के साथ 5 बनाना होता है ना, आप 3 और 2 लेके भी कर सकते हो, बट वो होगा नहीं सॉल्व. ठीक है, एक बार चेक करती हूँ मैं भी ये चीज. मैं इसको पहले ले रही हूँ 6 और 1 से, वो ब्रेक नहीं होगा जितना मेरे को ध्यान आ रहा है. तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 6 और 1 से कर रहे हैं,
तो हाँ ठीक है, ये प्लस हो जाएगा 6x माइनस x प्लस 6, क्योंकि प्लस माइनस माइनस 6 में से बन गया 5 बचा मेरा, है ना, और 6 वन जा 6 हो गया, तो इसमें से x कॉमन लिया तो मेरा क्या बन गया गाइस, x प्लस 6, यहाँ पे मैं कॉमन लूंगी माइनस 1, तो यहाँ पे भी मेरा क्या बच जाएगा, x प्लस 6 बन रहा है ये, एक्स स्क्वायर प्लस 6x, ये हो जाएगा मेरा माइनस एक्स प्लस माइनस माइनस सिक्स। नहीं, ये चीज मेरी नहीं बन रही है, तो मतलब हम इसको ऐसे फैक्टराइज नहीं कर सकते। आप भी चेक करा करो आप इसको कैसे फैक्टराइज कर सकते हो, ठीक है। अब मैं अगर इसको ब्रेक कर दूं एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 को 3 और 2 में ही कर दूं, क्योंकि 6 के फैक्टर्स मेरे 3 और 2 ही होते हैं गाइस, तो ये जगह एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2x प्लस 6, तो ये x हो गया, तो ये क्या हो जाएगा मेरा x प्लस 3 प्लस 2, ये हो गया मेरा ब्रेक। तो इस क्योंकि जैसे बहुत सारे नंबर्स होते हैं जो कभी कभी फैक्टर्स नहीं होते, तो हमें उनको डायरेक्ट वही दो फैक्टर लेने पड़ते हैं, वो नंबर खुद और 1, ठीक है। पर ये यहाँ पर ब्रेक हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2x प्लस 3, तो यहाँ पे क्या आ गया मेरा x प्लस 2 और यहाँ पे क्या आ गया मेरा x प्लस 3, मतलब मेरी एक x की वैल्यू होगी माइनस 2 और एक x की वैल्यू होगी माइनस 3, इनको इक्वल टू 0 पुट करके, और यहाँ पे सिर्फ दे रखा है 2 और 3 और यहाँ पे माइनस 2 माइनस 3, तो अगेन ये मेरे इक्वल नहीं है। नेक्स्ट हो गया मेरा x इज सच दैट x इज अ लेटर इन द वर्ड फॉलो, फॉलो को अगर मैं वो बनाऊं रोस्टर फॉर्म क्या हो जाएगा, एफ ओ एल डब्ल्यू, F O L W, सेम, ठीक है, ओके। आउट ऑफ विच सेलेक्ट इक्वल सेट्स, अब यहाँ पे हमें कुछ सेट दे रखे A टू H, इक्वल सेट सिर्फ वही होंगे जिनके नंबर ऑफ एलिमेंट्स और वो खुद एलिमेंट सेम हो, ठीक है। तो एक बार देख लेते, देखो G इज इक्वल्स टू E दिख रहा है मुझे, माइनस वन वन माइनस वन वन, ठीक है, G इज इक्वल्स टू E है। नेक्स्ट है मेरा ये हो गया 2 4 8 12, यहाँ पर ये नहीं आ रहा, ये हो गया मेरा 1 2 3 4, यहाँ पे 1 2 3 4, डी इज इक्वल्स टू ई हो गया, बी, डी इज इक्वल्स टू बी गाइस, ये बी है ना, 1 2 3 4, ठीक है, और 0.1 नहीं है कहीं पर, नहीं है 0.9 कहीं पर, नहीं है, ये इक्वल नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पे 2 नहीं है मेरे पास, नंबर ऑफ एलिमेंट तो सेम है, 4 भी है 8 भी है 12 भी है, पर 14 आ गया, 2 होना चाहिए था, ये दोनों इक्वल होगा, ये दोनों इक्वल होगा, इसके साथ कुछ है नहीं, ये 0.9 है, ये 0.1 है, हेंस हमारे दो इसके अंदर इक्वल सेट्स हैं। सो गाइज, दिस वॉज ऑल अबाउट एक्सरसाइज 1.2 ऑफ सेट्स। आई होप यू लाइक माई वीडियो, इफ यू लाइक माई वीडियो प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, थैंक्स फॉर वॉचिंग।